या जब राम मंदिर बन जाए, नौकरी मिले या ना मिले, भीख मांगेंगे राम मंदिर के सामने, पर मंदिर बन जाना चाहिए। 24 में उनको ही जिताना है। जब पाकिस्तान में गए थे मुसलमान, बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ से पाकिस्तान में गए ना मुसलमान। देश जी तो बहुत बड़ा दोगला है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला। जनता के दिल में क्या है, एक नए मुद्दे के साथ नए साल में हम हाजिर हुए हैं। हम इस वक्त इंडिया गेट के नज़दीक हैं। इतना ज़बरदस्त जाम है, वो तस्वीरों में दिखाएं आपको, ज़बरदस्त जाम है और देश भर से लोग यहाँ पर नया साल मनाने के लिए आए हैं। और अच्छा लगता है कि जब लोगों को उत्साह उमंग होती है कि नया साल है, घूमा जाए फिरा जाए। लेकिन इस नए साल होने हैं चुनाव भी 2024 के, और 5 साल देश में नीति का निर्धारण कौन करेगा इसका फैसला भी होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। फैसला नहीं हुआ चेहरा कौन होगा, लेकिन जनवरी से एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 यानी अभी इसी महीने, आज से 21 दिन बाद होना है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे। तमाम लोगों को न्योता गया है, अनिल अंबानी, अडानी, माधुरी दीक्षित, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, आप तमाम बड़े लोग हैं जिनको बुलाया गया है। और जब हल्ला हंगामा हुआ तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को भी इनवाइट कर दिया गया। राम मंदिर बीजेपी का एक एजेंडा रहा है और हर मैनिफेस्टो में वादा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और वो बन गया है। और जब बन गया है और इतना भव्य तरीके से उसका उद्घाटन होगा, उधर उसी वक्त राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसे भारत की न्याय यात्रा भी कहा जा रहा है, वो शुरू हो जाएगी। क्या भारी पड़ेगा, किस पर क्या होगा, ये बड़ा एक फैसला है। तो क्या राम मंदिर पर जब बीजेपी राजनीति करेगी, तो उधर विपक्ष जातिगत जनगणना, नौकरी, तमाम ये मुद्दे उठा रही है। उधर देश में नौकरी की समस्या आप जानते ही हैं, 45 साल में सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी दर। तो राम मंदिर प्रचार पर विपक्ष का नौकरी का दांव क्या भारी पड़ेगा, क्या लोगों को एहसास हो रहा है कि बेरोजगारी है, क्या रोजगार पर पड़ेगा वोट। ऐसे नए युवा हैं आराम से आ जा रहे हैं, उनसे बात पूछेंगे। भैया कहाँ से हो? ओखला। ओखला से, यहीं से हो? इस बार चुनाव होने वाले हैं इस 2024 में, नौकरी के मुद्दे पर वोट पड़ेगा इस बार? पड़ेगा। आप क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट। क्या करते हैं? किताब डायरी का बना रहा हूँ, डायरी बना रहा हूँ, किताब डायरी बनाते हैं, किताब बनाते हैं। वाह, तो आपने देखा इस बार राम मंदिर की तैयारी तो खूब जोरों शोरों से हो रही है और बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी। तो राम मंदिर का मुद्दा, फिर नौकरी वोकरी की बात तो फिर चलती नहीं, सब तो फिर हिंदू बन के वोट करेंगे, क्या लगता है आपको? लगता है वही होगा। हैं? देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं। देखते हैं, आपको क्या लगता है वोट डालोगे? हाँ जरूर। क्या मुद्दे होंगे जहन में? लगता है हमको तो इतना मालूम है। आज पूछ सकते हो आप, मेरे इतना मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? अरे मैं करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से आए हैं? हाँ जी। जबरदस्त, क्रांतिकारी, क्रांति की धरती बिहार से आए हैं। नीतीश जी जेडीयू की वापस अध्यक्ष बन गए हैं। नीतीश जी तो बहुत बड़ा दोगला है, हैं? बहुत बड़ा दोगला है। बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो दोगले ना है। इस बार अच्छा राम मंदिर की तैयारी हो रही है अयोध्या में, जबरदस्त काम है वो, बहुत अच्छा काम है वो, मोदी जी का काम है। अजय बताइए कि अब तो ये होगा कि जो राम को लाए उनको लाएंगे या फिर नौकरी पर? हम लोग मोदी जी को ही लाएंगे। राम मंदिर बनता ना बनता? राम मंदिर तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, राम मंदिर तो बनेगा ही। आओ यार तुम आओ इधर आओ। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, इधर बताइए किन। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोलना चाहता है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंभू मतो हुआ। शंभू जी कहाँ से हैं बिहार? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, औद्योगिक शहर है बिहार का। इस बार 2024 का चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में आप लोगों की क्या चर्चा चल रही है? बिहार में तो हम लोग मोदी जी को ही लाएंगे, 24 में उनको ही जिताना है। पिछली बार तो अलायंस था जेडीयू, इस बार अलग हो गए इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, अलग होने से क्या हुआ, उन्हीं को लाना है। पिछली बार किसको दिया थे? पिछले बार भी उन्हीं को दिए थे। मतलब मोदी जी, भाई मोदी आना है बस। दिल्ली का सरकार मोदी जी, मोदी का सपोर्ट करना है हमको। दिल्ली की सरकार मोदी जी, बिहार की सरकार? बिहार की सरकार देखेंगे, बिहार की सरकार बदलना है,
भ्रष्टाचार का नीतीश कुमार सरकार है। अगर बीजेपी से गठबंधन हो, नीतीश कुमार से बीजेपी से अगर गठबंधन हो जदयू का, तो उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी का? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना, बीजेपी के सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे जी नहीं। क्यों? नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार सरकार चला, वो पलटू राम है और वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में वो किसी के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसको तेजस्वी नहीं पसंद करते आप लोग? हम लोग तो तेजस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अब उनका यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, बस उन्हीं का। जय मजा। आप लोग इंडिया गेट घूमने आए? हम लोग बस एंजॉय करने आए, बस और कुछ नहीं, घूमने आए बस। इंडिया गेट पे आके ना देश की पल्स का पता चलता है। नीतीश जी अध्यक्ष बन गए, पर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो सुनिए, ये लोग यहाँ पर आ रहे, कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली से, संगम विहार से। संगम विहार से क्या करते हो आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में है या क्या कर रहे हैं? अभी तो 12th पास किया, अभी तो कुछ कॉलेज वॉलेज कर नहीं रहा हूँ। 18 साल के हो गए? वोट डालोगे इस बार? हाँ, इस बार जरूर डालूंगा। क्या मुद्दे लेकर के जाओगे वोट डालने? जब वोट बीजेपी, बस कोई मुद्दा तो होगा। क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बनाया उन्हें? अच्छा लग रहा है राम मंदिर बनाया, अच्छा लग रहा है। राम मंदिर में वोट दे दोगे? हाँ बस शुरुआत। रोजगार? रोजगार, रोजगार से मतलब नहीं? अयोध्या बनाया, बस इसी उसी की बात की खुशी है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, इसी बात की खुशी है? बहुत ज्यादा। और नौकरी मिले ना मिले? ना मिले ना, अयोध्या बन गया बस उसी बात की खुशी है बहुत ज्यादा। जय श्री राम का नारा। क्या नाम है? आलोक। आलोक आ रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है बस। अच्छा, कैसे बनेगा? हम लोग एक साथ एकजुट रहेंगे, बन जाएगा। संविधान तो सबको बराबरी का हिस्सा देता है, बराबरी का हिस्सा है। संविधान कैसे बदलोगे? संविधान में तो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? धर्म हम एक है, सबको एकजुट रहना है। तो फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ बन जाएगा फिर? सब एकजुट रहेंगे? बनेगा, बनेगा। हम आप चाहे नहीं बने, सबको साथ रहना है। आप लोग सबको साथ रहना है। लड़के ने साफ सही बात बोली, ये देखो चाचा अलग बात बोल रहे हैं। देखो नहीं, हम भी आज बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ रहे तो साथ रहेगा, एक साथ हो जाएगा। आप भी सुन रहे हैं, आपका नाम बताइए। विपिन कुमार। विपिन जी, सुना आपने, लड़का कह रहा है कि नौकरी मिले ना मिले राम मंदिर बन गया है, हम राम मंदिर के नाम पर वोट दे देंगे बीजेपी को, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इतना डेवलपर हो रहा है तो एक दिन जॉब भी मिलेगा, है ना। जो 60 साल कुछ नहीं कर पाया वो 10 साल में क्या कर लेगा, उसको भी टाइम चाहिए ना। अभी भी तो इतना सब कुछ कर रहा है ये गवर्नमेंट ने, पब्लिक खुश है। खुश है पब्लिक? बिल्कुल। आप कहाँ से विपिन जी? बिहार। बिहार में तो माहौल ठीक हो गया है? हाँ, इसलिए तो ठीक हो रहा है क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। यस। द रेड माइक में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आम लोगों के पास जाएं और अचानक भी जाकर के हम पूछ लेते हैं, देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ और बोलना चाह रहे हो? कुछ सिर्फ से मोदी आना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपने सुना कि सब ठीक है, मोदी आना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं और तमाम जो लोग हैं। हमने युवाओं से ही कोशिश की बात करने की, भाई तो लग रहा है कि बस बस किसी को बुला रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, लड़के ने कह दिया है नौकरी मिले ना मिले राम मंदिर बन रहा है, एक कह रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझिए माहौल क्या है। ये तमाम जो है कुछ युवा है। क्या नाम है भैया आपका? कौशल। कौशल क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हैं। वोटिंग, वोट डाल, अभी वोटिंग बना नहीं? अभी वो बहुत युवा है, अभी वोटिंग डालने की, वोट डालने की उम्र हुई आप लोगों की? अभी नहीं हुए। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी पसंद है, राम मंदिर बन रहा है या फिर नौकरी का मुद्दा होना चाहिए? अभी कुछ नहीं कह सकते अंकल जी, पढ़ाई में फोकस है। पढ़ाई फोकस है। बढ़िया लड़के जो है यहाँ इंडिया गेट पे घूम रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यूपीएससी में। यूपीएससी में जॉब करते हैं? वहाँ इस बार राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जबरदस्त क्या माहौल है, लग रहा है राम मंदिर पे वोट पड़ेगा या नौकरी वोकरी की बात होगी या मुद्दों पे बात? राम मंदिर बन जाए वही बहुत है। बन ही गया? हाँ तो बन जाए वो बहुत खुशी की बात है, राम मंदिर बन जाए बहुत खुशी की बात है। नौकरी? नौकरी भी सही है, नौकरी तो चलती रहेगी, राम मंदिर पहले बन जाए। नौकरी मिले ना मिले? ना मिले। गजब आदमी हो यार। अरे जब क्या बोलो 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 क्या भैया, जब राम मंदिर बन जाए नौकरी मिले या ना मिले भीख मांगेंगे राम मंदिर के सामने, पर मंदिर बन जाना चाहिए। भीख मांगेंगे पर राम मंदिर बन जाना चाहिए जी। ठीक है अंकल, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या चीज? राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, निर्माण हो गया, बना है, बहुत बढ़िया। इस बार लोकसभा चुनाव में, इस बार मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं ना, जितना विकास कर रहे हैं, उससे बेटर कोई आज तक प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि ऐसा प्रधानमंत्री बहुत पहले आना चाहिए था। इस देश के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी रहने चाहिए। और रोजगार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है इस वक्त, उनके कर्ज बढ़ता जा रहा है, उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे हर काम अच्छा हो रहा है। हर काम कौन सा सर? हर बिजनेस सही है, रेडी पटरी वाले खुश हैं। महंगाई दर तो बहुत ज्यादा है इस समय। कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई आपको लगता है? किस चीज का महंगाई है? सिलेंडर कितने रुपए में लेते हैं आप? सिलेंडर 900 रुपए का लेते हैं हम। और 2014 में कितने का लेते थे? जो 2014 में लेते थे ना सर, अब 14 है, अब 23 चल रहा है ना, तो दुगने से ज्यादा। अब 24 चल रहा है, बताइए ना आप टाइम कहाँ पहुँच रहा है। मतलब ये भी तो ये मानिए ना कि महंगाई बढ़ रही है वक्त के साथ। उस हिसाब से बहुत बहुत सही रेट है, कोई महंगाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 950 में दिक्कत नहीं है, सिलेंडर ले रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से अंकल आप? मैं दिल्ली से हूँ। मेरी कैंटीन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से। अच्छा, स्वच्छता अभियान की शुरुआत मेरी। वो व्यक्तिगत वो भी एक है। मैं ना व्यक्तिगत नहीं है, मैं बड़ा उनका मान सम्मान करता हूँ। और ऐसे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर जो जिस दिन से बैठे हैं ना, उस दिन से इस देश का हालात सुधर गया है। पहले क्या था, खराब था पहले? ये पहलवान जो यहाँ प्रदर्शन करके गए, ओलंपिक में मेडल लेने वाले, किसान आंदोलन हुआ, ये तो प्रदर्शन होते रहेंगे। कोई भी सरकार आए कोई जाए, प्रदर्शन ना कभी खत्म हुए हैं। पहलवान के मुद्दे पे क्या कहना है? ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारी, इसने संन्यास छोड़ा। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। देश का मामले में मेडल तो देश का आता है ना। देश का मेडल उन्होंने नाम किया है, देश का काम किया है, उसके लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने आवाज उठाई तो इस उस पुरस्कार के लिए उनको सम्मानित करते हैं हम भी और देश भी। उनके फिर मुद्दे नहीं सुनने चाहिए? नहीं बिल्कुल सुनने चाहिए। मुद्दे एक ऐसी चीज होती है। साक्षी ने संन्यास ले लिया बेचारे, दुखी में रो रो के कि उसके सुने नहीं गए, न्याय नहीं मिला। ब्रजभूषण बीजेपी का सांसद है, जेल नहीं गए अब तक, कार्रवाई नहीं हुई अब तक। होगा ना, उसकी कार्रवाई हो रही है ना, उसकी कार्रवाई जो न्याय आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट और न्याय करेगा ना, वो मान्य है। अब बाकी हर चीज मोदी जी, जहाँ वो होते तो वहाँ न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा। नहीं नहीं, उनका न्याय हर न्याय सुप्रीम कोर्ट ही करता है, उससे बड़ा कुछ न्याय नहीं है। तगड़ा नैरेटिव जो बीजेपी का सेट हुआ है भाई। तुम वीडियो बना रहे थे ना हो यहाँ? कर ले, वीडियो तो बना रहे थे ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने तो दिल खुश, तुमने तो बोल दिया कि नौकरी मिले ना, भीख मांग लेंगे, राम मंदिर बन रहा है। आप तो क्या, राम मंदिर नहीं बनेगा तो उसमें फायदा तो क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश के से बन रहा है ना। हाँ तो बनना तो जरूरी है, राम मंदिर मंदिर तो बनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बन जाए और अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बन जाए और अच्छा है। भाई अच्छा क्या अच्छा होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी सबको, तो नौकरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। देखिए मैं पढ़ा रहूंगा तभी नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ा रहूंगा तो नौकरी। लोग पढ़े लिखे हैं, प्रदर्शन करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही। हाँ तो उसमें नौकरी से मंदिर का क्या लेना देना है ये बताइए। नौकरी का कोई लेना नहीं, मतलब हिंदू राज बन जाए, हिंदू राज बन। अच्छा हिंदू राज की कल्पना कैसी करते हैं आप? चलो आज हिंदू राज में क्या होगा आपको लगता है, क्या जब आप कल्पना करते हैं, आपने कहा हिंदू राज बन जाए अच्छा, तो हिंदू राज में आप क्या चाहते हैं कि क्या मिलेगा, क्या अच्छा होगा आपके लिए? अच्छा ये होगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये नहीं होगा कि मतलब हम मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे। हिंदू राष्ट्र पहले दूसरी नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम है ना, संविधान चलता है ना, संविधान। तो अगर हिंदू राज बनना हो संविधान बदलना पड़ेगा फिर। क्यों? अरे तो हिंदू राष्ट्र अभी तो बनेगा। अच्छा ऐसा अभी है? तो अभी तो सेक्युलर है ना हमारे वो, जो संविधान बदल सकता है, भागवत गीता नहीं बदल सकता। बिल्कुल नहीं बदल सकती। हाँ तो संविधान बदला जाएगा, तो संविधान बदला जाएगा तो ठीक है, बदल जाए। हाँ बदल जाएगा। हिंदू राष्ट्र मिलेगा क्या आपको, आपके लिए क्या होगा हिंदू राष्ट्र में बताओ? हमारे लिए सही हो जाएगा, हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे तो भाई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अभी दिक्कत क्या है आपको? हमें दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे उसमें होगा क्या, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए पर उसमें तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा ये तो बता दो गुरु। देखिए मैं जानता हूँ आप न्यूज रिपोर्टर हैं, आप मुझे कैसे भी घेर ओढ़ देंगे, घेर ओढ़ के फिर बात कर लेंगे। अब पूछना चाह रहा हूँ आपसे भैया, मैं तो कुछ घेर ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में। अच्छा अगर आप हिंदू हैं, अभी कोई समस्या दिक्कत आपको? मेरे को समस्या नहीं है, नहीं है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते? हिंदू राष्ट्र में आप भाई कि मेरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुझे ये अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए वो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ तो सोचा होगा। अच्छाई के लिए नहीं है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए पहले से। अब जब पाकिस्तान में गए थे मुसलमान, बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ से पाकिस्तान में गए ना मुसलमान, तो सारे को चला जाना चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनाते। हाँ समझिए, हकाओ कुछ कह लो तुम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
खैर बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए हमने बात की लोगों से, आप भी कुछ कह दीजिए इसके बाद, इनकी सुनने के बाद कुछ कहने का मन नहीं है? मुझे कुछ कहना ही नहीं। दुखी किस लिए हैं? दुखी हैं? मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मुझे कुछ कहना तो छुप क्यों रहे हैं? माही के हैं वो, जहां राम मंदिर बन रहा है अयोध्या। अयोध्या के हैं तो छुप क्यों रहे हो फिर, तो और सामने आके बोलना चाहिए। अच्छा, तो आपने सुना लोगों को, लोगों की बातें और युवाओं की बातें। समझिए कि जब आप शहर में ऐसे किसी के पास चले जाते हैं, ऐसे युवा मिलते हैं और जो बात बोल देते हैं, उसके बाद आप क्या बोलें? आप उनसे भिड़ नहीं सकते। हम तो बस एक माध्यम है जिसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि समाज में क्या चल रहा है। आपके सामने है, हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो तमाम चीज़ें चलती हैं, उनका असर कैसे युवाओं के जहन पर पड़ रहा है। बड़ा दुख होता है ऐसे सड़क पर खड़े होकर, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता नहीं, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा वो पता नहीं है, कल्पना नहीं है। फिलहाल मुद्दा था कि राम मंदिर नौकरी पर भारी पड़ेगा, यहाँ तो राम मंदिर तो पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होने लग गई है। खैर फिलहाल जनता के दिल में क्या है, हमने कोशिश की आपको कि इंडिया गेट के नज़दीक से पहले साल पर सुनाएं। तो इन आवाज़ों को सुनने के बाद लगता है कि इंडिया गठबंधन की राह आसान तो बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। सहयोगी शाहीन अस्कर के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।